हरे कृष्णा, वेलकम टू आर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो बेसिकली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 9 बीएसए का, जो कि किसकी बात करता है, वो इसकी बात करता है कि जो फैक्ट्स वैसे तो रेलेवेंट नहीं होंगे लेकिन वो रेलेवेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जो चीज़ें रेलेवेंट नहीं वो रेलेवेंट होंगी तो वो सेक्शन 9 है ना। बहुत घुमा फिरा के लग रहा है ना, इतना घुमा फिरा के है नहीं, ऐसी बस जानते नहीं ऊपर ऊपर से ऐसी दिखाते होता आसान है, बस यही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो, जो फैक्ट वैसे रेलेवेंट नहीं है लेकिन वो रेलेवेंट हो जाता है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, प्ली ऑफ एलिबी। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि देखो वो चीज़ वैसे तो वैसे वो चीज़ जो है वो रेलेवेंट नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो रेलेवेंट होती है। क्या रीज़न है, अगर अगर हम लोग इसका पहला सबसेक्शन देखें तो उसमें ये बात कही जा रही है कि वो इट इज़ इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि साथ में नहीं एग्जिस्ट कर सकती। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, एक ही साथ में क्या डे और नाइट एक साथ में हो सकता है, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। आप एक ही मतलब एक ही बॉडी है ना लंदन में भी होगी है ना और यहाँ दिल्ली में भी होगी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो प्ली ऑफ एलिबी क्या मतलब, एल्सवेयर, मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑल्दो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठीक है वो इंसान किधर है क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन है ना अगर हम लोग ये दिखा दें कि वो स्पॉट पे था ही नहीं जहाँ क्राइम हुआ था, या फिर वो इतनी दूर था कि थोड़ा उसका आ पाना मतलब मुश्किल है। एक इंसान लंदन में है, ठीक है, अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10 बजे, सुबह के 10 बजे, ठीक है, और इंडिया में क्या कहते हैं कि वो यहाँ पे जो क्राइम है 11 बजे होता है, तो क्या 10 से 11 क्या इसके लिए आना पॉसिबल है दिल्ली में, क्या उसके लिए पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्ली ऑफ एलिबी, एलिबी मतलब क्या होता है, एल्सवेयर, ठीक है। अब क्या है ना ये मतलब समझो, ये अगर आप इसका प्रूफ दे रहे हो तो मतलब अगर आप नहीं प्रूफ कर पाते हो तो ये आपके अगेंस्ट में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल जब भी यूज़ होता है तो। और यहाँ पे अगर हम लोग बोले किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक केस है, धनंजय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इतना कोई मुश्किल नहीं, आपको समझ ही आ रहा होगा है ना। तो धनंजय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में एक आ गया, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर होता है, एक्यूज्ड के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें प्रूफ देना पड़ता है ना, जैसे नॉर्मली एक्यूज्ड को क्रिमिनल केस में कैसा प्रूफ देना होता है, मतलब वही प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देना होता है अक्यूज के लिए, जो होता है वो क्या होता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो प्रूफ देना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कोजेंट होना चाहिए, मतलब कोई शक की गुंजाइश हो ही ना। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आप 10 बजे लंदन में हो तो मतलब कोई शक की गुंजाइश ही ना हो कि आप यहाँ भी हो सकते हो वहाँ भी हो सकते हो ना, 10 बजे, ठीक है। अगर क्राइम मान लो 10:30, 10:15 बजे होता है, आप दिखा देते हो कि 10 बजे मैं यहाँ पे हो है ना, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से भी कह सकते हैं कि एक स्टेप ऊपर है ये है ना। उसके बाद तो यहाँ पे समझ आएगा किस तरीके का हमें प्रूफ देना है। फिर एक और केस है ये कि क्या इसका जो प्ली ऑफ एलिबी का जो बेनिफिट है, क्या वो पुलिस दे सकती है या सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ही मतलब उसका काम आता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास केस है, ब्रिज बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में साफ साफ बोला गया था कि ये ट्रायल स्टेज पे काम आता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे नहीं, ठीक है। और प्रूफ कैसे करना होगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और केस है हमारे पास, ठीक है, राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर। तो यहाँ पे बोला गया ना कि टाइम फैक्टर भी देखा जाएगा, टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग टाइम फैक्टर देखेंगे तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि एक्यूज यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल है ना, मैं बोल रही हूँ कि दिल्ली में है वो 10 बजे, ठीक है, और क्राइम हुआ नोएडा में 11 बजे, तो क्या प्ली ऑफ एलिबी ले सकता है? नहीं ले सकता। पहुँच सकता है, क्यों नहीं पहुँच सकता, बिल्कुल पहुँच सकता है 1 घंटे में है ना। तो यहाँ पे मतलब अगर टाइम फैक्टर को भी देखा जाए, अगर चलो हम ये कहें कि वो दिल्ली में था 10 बजे और क्राइम जो है 10:05 में हुआ, तो हाँ 10:05 नोएडा में तो नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है, इज इट क्लियर? और कोई टेक्नोलॉजी होगी तो मैं थोड़ा अवेयर हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास एक और केस है, रामबाली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। वो क्या बात कहता है, वो ये बात कहता है ना कि जो हमारा प्ली ऑफ एलिबी है वो कैसा है, पर्सनल इन नेचर है। पर्सनल इन नेचर मतलब अगर मान लो एक से ज़्यादा अक्यूज है, ठीक है, तो ए बी सी डी हम लोग मानते हैं अक्यूज है, ठीक है। अब ए ने प्रूफ कर दिया
कि वो इस समय लंदन में था, जब क्राइम दिल्ली में, उस समय लंदन में था। तो ये जो प्ली ऑफ एलिबी है सिर्फ और सिर्फ ए के अगेंस्ट अवेलेबल होगा, ए इसका बेनिफिट ले सकता है, बी सी और डी के लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है, इट्स पर्सनल इन नेचर। फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है 11 क्लॉज 2, वो कहता है कि वो फैक्ट जो कि वैसे तो रिलेवेंट नहीं होता है ना, लेकिन सॉरी 11 का नॉट क्लॉज 2, इट्स 9 का क्लॉज 2 है ना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का, लेकिन हम लोग किसका देख रहे हैं, हम लोग BSA का देख रहे हैं। देखो कहीं कहीं हो गया होगा, यग्री आप थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही लिख देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं कि वो चीज़ जो है वैसे वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो जो हमारा मेन मुद्दा है, मतलब जो हमारा फैक्ट इन इशू है, ठीक है, या फिर रिलेवेंट फैक्ट है, फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट है, उसके होने या ना होने को बहुत ज़्यादा प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर देता है, ठीक है, वैसे वो रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिखाती हूँ, अगर आप इलस्ट्रेशन बी देखोगे, जो इलस्ट्रेशन ए है वो तो हमारा प्ली ऑफ एलिबी से रिलेटेड, ठीक है, तो जो इलस्ट्रेशन बी है यहाँ पे बोला गया कि सवाल ये है कि ए ने क्राइम कमिट किया है कि नहीं, है ना, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि क्राइम जो है वो या तो ए बी सी या डी ने किया होगा, तो हर वो फैक्ट जो कि ये दिखाता है, ठीक है, कि क्राइम जो है बी ने किया है या फिर सी ने किया है, डी ने किया, ये सब रेलेवेंट है ना। अगर ये प्रूव हो जाए कि बी ने क्राइम किया है तो साफ सीधी बात है कि ए ने क्राइम नहीं किया होगा, और तो हमें इससे मतलब नहीं है, बात ए की चल रही है ना, लेकिन हमें बी सी और डी से क्या मतलब। लेकिन क्या है यहाँ पे, अगर ये प्रूव हो जाए कि बी ने क्राइम किया तो सीधी सी बात है ए ने नहीं किया होगा, है ना, मतलब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ए बी सी या डी ने क्राइम किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बात जो चल रही है ए के अगेंस्ट चल रही है। अब ये प्रूव हो जाए, ऑल्दो हमें मतलब नहीं है बी ने क्या किया, सी ने क्या किया, डी ने क्या किया, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए बी ने क्राइम किया, या फिर ये प्रूव हो जाए कि सी ने क्राइम किया है ना, या फिर ये प्रूव हो जाए कि तीनों ने क्राइम नहीं किया, तो इससे ये पता चल जाएगा ए ने क्राइम किया है कि नहीं किया है ना। तो बेसिकली वो फैक्ट्स जो कि हमारे फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल करते हैं ना, मतलब जो हमारे फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्टर्स के होने ना होने की संभावनाएं दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो क्या हो जाते हैं, हमारे रिलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या सेक्शन बताता था हमें, सेक्शन 9 BSA का, सेक्शन 9 ने BSA के हमें ये बताया कि जो चीज़ें वैसे रिलेवेंट नहीं है लेकिन वो रिलेवेंट हो जाती हैं। क्यों रिलेवेंट हो जाती हैं, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले सबसेक्शन में 9 के 1 में क्या पढ़ा था, प्री ऑफ एलिबी, ठीक है, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वो पर्सन यहाँ, मतलब जो चीज़ें इनकंसिस्टेंट है ना, एक साथ दो चीज़ें नहीं एग्जिस्ट कर सकती, जैसे एक के साथ दिन और रात नहीं हो सकता, एक इंसान एक के साथ दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है, राइट, है ना। तो हमने सबसे पहले वो पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लॉज 2, है ना, तो जो कि हमारे किसी भी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के होने ना या फिर ना होने को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल करती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे जैसे अभी एक इलस्ट्रेशन देखा था, और एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि अगर, है ना, अगर क्या कहते हैं कि 10 बजे, ठीक है, कोई इंसान दिल्ली है, ठीक है, ये प्रूव हो जाए, तो अब ये क्या कहते हैं कि 11:30 बजे नोएडा में क्राइम हुआ है ना, तो अभी जो टाइम फैक्टर हमें ये बता देगा कि ये प्रोबेबल है, चांसेस है कि 11:30 बजे वो क्या कहते हैं कि नोएडा में होगा, तो ये रिलेवेंट है ना। लेकिन अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वो कोई भी सारी चीज़ें, मतलब जो कि इसके एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल या फिर इम्प्रोबेबल करती है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन डेफिनेटली मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।